स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के इस क्वेश्चन पेपर के बारे में। यह है सेकंड पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बीए फाइनल ईयर 2022-23 का। यहां पर सामान्य रूप से हम यहां जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से परीक्षा पैटर्न होता है। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि ये POSDCORB किसका प्रतीक है, और फिर अगला प्रश्न आता है गैंग फ्लैंक अवधारणा का संबंध सिद्धांत खालिस्तान से है। यहाँ पर इन सभी के आंसर आपको ढूंढने हैं और पूरी ईमानदारी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, इस क्वेश्चन पेपर को। तीसरा प्रश्न आता है पदोन्नति के कितने सिद्धांत होते हैं। फिर चौथे नंबर का प्रश्न है कि भारत में प्रथम बार निष्पादन बजट सन 1968 में कितने मंत्रालयों के लिए तैयार किया गया था। और फिर अगला प्रश्न है किसने भारतीय नौकरशाही को स्टील फ्रेम कहा है। फिर इसके बाद आपको देखना है सेक्शन बी यानी कि लघुतरीय प्रश्न, भारत को ध्यान में रखते हुए कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन की भूमिका का वर्णन कीजिए, लोक प्रशासन के क्षेत्र का परीक्षण कीजिए। और तीसरा प्रश्न है सफल मुख्य कार्यपालिका के कौन कौन से गुण होते हैं। इसके बाद आपको देखना है आदेश की एकता पर संक्षिप्त नोट लिखिए। चौथा प्रश्न आता है कार्मिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं। पदोन्नति द्वारा भर्ती के गुण और दोषों की चर्चा कीजिए। पांचवा प्रश्न आता है वित्तीय प्रशासन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कार्यों की चर्चा कीजिए अथवा में है कार्य निष्पादक बजट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। छठवां प्रश्न है विकास प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्था के मध्य संबंधों की विवेचना कीजिए। दोस्तों, इसके अथवा में है ग्राम सभा के गठन एवं कार्य अधिकार की चर्चा कीजिए। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न है सातवां नवीन लोक प्रशासन के अर्थ विकास एवं उसके महत्वपूर्ण लक्ष्यों का विश्लेषण कीजिए। लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए एवं इसके एकीकृत एवं प्रबंधात्मक दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। आठवां प्रश्न आता है पद सोपान से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। इसके अथवा में है स्टाफ अभिकरण की प्रकृति कार्य एवं अधिकारों का वर्णन कीजिए। इसके बाद नौवां प्रश्न आता है आंतरिक भर्ती एवं वहाँ भर्ती से क्या अभिप्राय है, इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। सरकार एवं कर्मचारियों के मध्य उत्पन्न विवादों को निपटाने और उनसे बचने के लिए विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। दसवां प्रश्न आता है बजट को परिभाषित करते हुए एक अच्छे बजट की क्या विशेषताएं होती है बताना है, और इसके अथवा में है लेखांकन क्या है, सार्वजनिक धन के लेखांकन की क्या आवश्यकताएँ हैं, भारत में लेखांकन पद्धति का संक्षिप्त में वर्णन आपको करना है। फिर इसके बाद में ग्यारहवां प्रश्न है विकास प्रशासन में नौकरशाही की भूमिका की समीक्षा कीजिए, और इसके अथवा में है ग्राम पंचायत के गठन तथा महत्वपूर्ण कार्यों की विवेचना कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर समाप्त तो होता है लोक प्रशासन या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यह क्वेश्चन पेपर। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा और आप इसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। अगर किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन या समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, आत्मविश्वास और आत्मसाहस आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।